तो आज मैं आपको बताऊंगी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द चॉकलेट। तो चॉकलेट सुनते ही मुझे पानी आ गया होगा ना। हाँ, बहुत सारे लोगों के आ गया होगा। तो चॉकलेट सबसे ज्यादा फेवरेट फूड मान लीजिए, फूड ही मान लीजिए, बच्चों को तो सबसे ज्यादा चॉकलेट खाना मत दो, चॉकलेट चलेगी चॉकलेट। तो मैं थोड़ा डिटेल आपको चॉकलेट्स के बारे में बताऊंगी, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले चॉकलेट का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इट इज मेड फ्रॉम बीन ड्राइड फ्रॉम कोकोआ ट्री। तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बिटर होता है टेस्ट में, तो इसके लिए कंपनीज ने क्या किया, कुछ शुगर ऐड कर दिया ताकि ये इटेबल हो जाए। तो जो डार्क चॉकलेट्स आपने सुनी है बहुत ही ज्यादा कड़वी होती हैं, वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। बाकी जो आजकल चॉकलेट्स आ रही है, कैडबरी, पर्क, मंच, किट कैट, वॉट एवर, बहुत सारी आ रही है अलग अलग कंपनी, तो उसमें क्या है, वो लोग फ्लेवरिंग करते हैं, तो उससे टेस्ट उसका चेंज हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो पहले तो वो चॉकलेट्स जो टेस्ट की वजह से बहुत फेमस थी, फिर कुछ टाइम बाद ना उसके शेप्स की वजह से वो पॉपुलर होने लगी। जैसे हार्ट शेप चॉकलेट्स हैं, वो वैलेंटाइन चॉकलेट्स कहलाने लगी, और बनीज, क्यूट बनीज के फॉर्म में आती थी वो। एस्टर जो फेस्टिवल होता है हमारे फॉरेन में बहुत कॉमन है ये, तो उसमें एस्टर बनीज जो है वो वहाँ सिंबल बन गया है इसका, कि जो क्यूट बनीज है वो एस्टर जो फेस्टिवल है उसमें गिफ्ट करते हैं लोग। तो अब अमेजिंग फैक्ट्स इसके बारे में। तो चॉकलेट में सबसे ज्यादा जो है डार्क डार्क जो चॉकलेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बिटर होती है, तो उसमें शुगर ऐड कर दी जाती है। तो लोगों को मानना ये है कि इसमें कैफीन होती है, लेकिन कैफीन इसमें होती है पर कैफीन बहुत कम होती है। जो टी, कॉफी एंड कोका कोला हम जो यूज कर रहे हैं ना, उसमें कैफीन ज्यादा होती है कंपेरेटिवली। तो जो इस पे स्टडीज हुई तो उसमें ये देखा गया कि 1 आउंस बार जो चॉकलेट का है उसमें 6 मिलीग्राम कैफीन है, और जो कॉफी है उसमें 5 आउंस ऑफ रेगुलर कॉफी कंटेंट 40 मिलीग्राम ऑफ कैफीन। तो ये एक थोड़ा स्टडीज में पता चला कि चॉकलेट में इतना ज्यादा कैफीन नहीं होती। तो इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स विच प्रिवेंटिंग द कैंसर एंड सम हार्ट डिसीजेस। तो इसमें ये तो हमारे फायदे की चीज हो गई। तो और पता है क्या, इट इज अ फेवरेट फ्लेवर ऑफ यूएस। यूएस में सबसे ज्यादा फेवरेट फ्लेवर माना जाता है किसी भी चीज में, हर चीज में चॉकलेट। चॉकलेट फेस्टिवल होता है, चॉकलेट बार्स होते हैं अलग से, और चॉकलेट की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 ईयर है। ओरिजिनल चॉकलेट की बात करें, कोई फ्लेवरिंग ऐड हो या फिर उसमें मिक्सिंग हो गई हो तो वो सब चीजों की नहीं है, लेकिन हाँ जो ओरिजिनल चॉकलेट है उसकी 1 ईयर शेल्फ लाइफ है। 1842 में कैडबरी ने इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम चॉकलेट बार खोला था। तो कितनी इंटरेस्टिंग बातें है ना। तो वो उसका फर्स्ट चॉकलेट बार था, तो बहुत सारे खुलते जा रहे हैं। यहाँ हमारे आगरा में भी एक चॉकलेट रूम, तो वहां भी जरूर जाइएगा, एंजॉय करके आइएगा। हर चीज चॉकलेट फ्लेवरिंग, हर चीज बहुत अच्छे से। चॉकलेट्स कंटेन थियोब्रोमीन, जो कि हमारे माइंड के जो लेवल्स हैं, एड्रेनलिन लेवल्स, उनको भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन, हमारे माइंड को बहुत कंट्रोल करता है, कभी एकदम से बहुत अप कर देगा, बहुत डाउन कर देगा। तो इट पिक्स यू अप एंड डाउन, बहुत ही काम भी कर देता है। तो ये जो है चॉकलेट, जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल जो कि व्हेन यू आर इन लव, तो आपकी तो अच्छी सी कटलिंग वाली फीलिंग्स आती है ना, तो वही फीलिंग्स जब चॉकलेट इंटेक होती है तो वो केमिकल सेम रिलीज होता है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें है ना। तो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स यूज 20% ऑफ द पीनट्स एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड होल ऑलमोंड। तो सबसे ज्यादा मूंगफली और हमारी जो सबसे ज्यादा बादाम है वो चॉकलेट वाले ही ले लेते हैं, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स लेके उसमें सब इंग्रेविंग करके लोगों को आप उस फॉर्म में पहुंचा रहे हैं। तो कितने सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, और इससे ये हमारे यहाँ के बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट फूड है, पूरी कहेंगे वही, बार बार मैं यही कहूंगी कि बच्चों को खाना मत दो, तुम बस चॉकलेट से दो, बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। चॉकलेट शेक मिल जाए, चॉकलेट आइसक्रीम मिल जाए, बस बहुत खुश। तो बच्चों को मनाना हो तो चॉकलेट ही सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड इससे ज्यादा और भी मुझे अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। तो प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। बाय बाय।